अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे आज के मैं यहाँ पे भुट्टे के खेत में क्या कर रही हूँ। तो मैं आई हुई हूँ पंजाब में और हम खेतों में आए हुए हैं यहाँ पे सब्जियाँ लेने के लिए। तो मैंने सोचा साथ में एक छोटी सी व्लॉग बना लिया जाए। हम जा रहे हैं सब्जियाँ लेने के लिए जो यहाँ पे खेतों में बहुत ताज़े और ज़बरदस्त से यहाँ पे सब्जियाँ हैं। मेरे साथ साथ और भी टब्बर है जो आगे आगे चल रहे हैं और मैं इनके पीछे पीछे जा रही हूँ। और रास्ते में चलते हुए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये मेरे ख्याल में गन्ने का खेत है और आगे सारी सब्जियां लगी हुई हैं। और जाते जाते मुझे यहाँ पे आम का पेड़ नज़र आ गया जिसमें काफ़ी सारी कैरियां लगी हुई थी। यहाँ से हम लेंगे काफ़ी सारी कैरियां जिसकी हमें बनानी है खट्टी मीठी सी चटनी और कैरी की शरबत। तो यहाँ का व्यू देखें आप, बहुत ही मज़े का हो रहा है। आसमान बहुत ही खूबसूरत है। शाम का टाइम है, दिन में यहाँ पे बहुत गर्मी होती है सियालकोट में, तो हम शाम में निकले थे सब्जियाँ लेने के लिए। आसमान के दो कलर है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से कुछ और है और इस तरफ से कुछ और है। बहुत ही प्यारा और हसीन सा ये जो नज़ारा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए मैं इसको शूट कर लूँ। और यहाँ से काफ़ी सारी कैरियाँ समेटने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर सब्जियाँ लेने के लिए, जहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ थी। यहाँ पे कद्दू भी, लौकी भी और हरी मिर्चें और भिंडी भी काफ़ी सारी लगी हुई थी। तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सब चीज़ें यहाँ से हमने समेट ली थी। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है हरा भरा सा, ये है कद्दू और लौकी की बेल। और एक मुझे छोटा सा बेल नज़र आ गया था उसका, करेले का। यहाँ पे दो छोटे छोटे से करेले लगे हुए थे, लेकिन ये करेले किसी काम के नहीं थे तो इसको हमने नहीं तोड़ा, इन्हें छोड़ दिया था। और ये कद्दू के जो पत्ते हैं ये भी ले लिया, इसका हम साग बनाते हैं। यहाँ पंजाब में तो इसे कोई नहीं खाता, लेकिन मैं इसको बनाती और पंजाब वालों को मैंने बना के खिला दिया और उनको बहुत पसंद आया। हरी मिर्चें भी थी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्ती हरे हरे, इनको भी तोड़ लिया हमने। ताज़ी ताज़ी सब्जियों के मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पर वाकई में इस सब्ज़ी को जब मैंने यहाँ पर पकाया था, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट था। क्योंकि कराची में हम जो सब्ज़ियाँ खाते हैं वो केमिकल और गंदे पानी का होता है, सब्ज़ी वाले से हम जो लेते हैं सब्ज़ियाँ, और यहाँ पे तो अच्छा पानी, साफ़ सुथरा पानी और बिना केमिकल की ये सारी सब्ज़ियाँ उगी हुई हैं। तो इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का था, पकाने के बाद वाकई में बहुत ही मज़ा आया था। और भिंडियाँ ले ली काफ़ी सारी हमने, हरी मिर्चें भी काफ़ी सारी ले ली, कद्दू और लौकी भी समेट लिए। लौकी हम लोगों ने इसलिए लिया था क्योंकि लौकी का हलवा बनाना था हमें। और साथ में ही मुझे एक केले का पेड़ दिख गया जिसके अंदर काफ़ी सारे केले लगे हुए थे माशाल्लाह। और ये है केले का फूल और ऊपर आपको काफ़ी सारे हरे हरे केले नज़र आ रहे होंगे। ये केले अभी पके नहीं हैं, कच्चे ही हैं। और सारी चीज़ें समेट के यहाँ से हम चलने लगे। तो ये लौकी है, नहीं ये लौकी नहीं, कद्दू है। ये गोल वाला जो है ये कद्दू होता है, जो लंबे साइज़ के होते हैं उसे लौकी कहा जाता है। ये पूरी जो बेल है ये लौकी की थी। तो यहाँ से हम लोगों ने कद्दू समेट के ये यहाँ पर ढूंढ रहे ना, यहाँ जो सब्जियाँ लेने आई थी मेरे साथ बच्चे। और छोटा सा एक मुझे यहाँ पे एक लौकी नज़र आया जो बहुत ही छोटा था। सारी चीज़ें लेके हम घर की तरफ रवा दवा हो गए। अब हम घर में जा रहे हैं, जाके यहाँ पे हम सब्जियों को धोएंगे। सारी सब्जियाँ हमने रख दी हैं यहाँ पे, कैरियाँ और भिंडी और साग, जो भी सारी चीज़ें ली थी सब हमने यहाँ पे रख दिया है। इसको अच्छा सा धोएंगे और कैरियों को हम काट लेंगे। कैरियों को, आधे कैरियों को मैंने काट के इसका जो है शरबत बना लिया था और आधे की मैं चटनी बनाऊँगी खट्टी मीठी। और चटनी की रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। कैरियों को धो के यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है इसको काट के, और इसको एक उबाल आने तक हम इसको उबालेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आए इसको हम छान लेंगे, पानी इसका छान के इसको वापस से हम उसी पतीले में डाल के इसको चूल्हे में चढ़ा देंगे। और यहाँ पे लकड़ियों के चूल्हे में मैं पका रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून कलौंजी ली है और 1 टीस्पून मैंने लिया है सौंफ और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, जब मैंने कैरियों को उबाला था तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया था ताकि इसकी खटास जो है बहुत कम हो जाए, क्योंकि इसमें खटास बहुत ज़्यादा, ये बहुत खट्टे कैरियाँ थी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था 3 कप चीनी। चीनी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि कैरियाँ बहुत खट्टी हो रही हैं। और साथ में इसके अंदर डाल देंगे 1 इंच का एक अदरक था, उसको कूट लिया है मैंने कूट के, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको तेज़ आंच में जो है ना अच्छे से चम्मच हिलाते हुए इसको 5 मिनट तक लगातार हम पकाएंगे। और 5 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी ये जो चटनी है बनके तैयार है। इसको हम खाएंगे पराठों के साथ। आप इसको बना के जाल में भर के रख सकते हैं, उसको आप पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी है, इसको मैं पराठे के साथ इंजॉय कर रही हूँ। आपको ये छोटी सी व्लॉग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।